नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है नान खटाई। ये सबको बहुत पसंद आती है और ये खाते ही मुंह में घुल जाती है। इसको कैसे बनाते हैं आइए देखिए। हमने एक डोंगे में एक कप मैदा लिया, इसमें हम मिलाएंगे सूजी, ये आधा कप है। सूजी हमने ब्रीक वाली ली है। बेसन ये भी आधा कप। चीनी ये पीसी चीनी ली है, ये भी आधा कप। ये ऑयल हमने लिया है, हमने राइस ब्रैन ऑयल यूज़ किया है। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या देसी घी कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और छोटी इलायची का पाउडर एक चम्मच के करीब है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाथ की सहायता से इसका डो बना लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है नान खटाई का। हमने ये बेकिंग ट्रे ली है, इस पे हमने फॉइल लगा दी है और साथ ही हम अब थोड़ा थोड़ा ये लेंगे। और इसको ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और ऐसे दबाएंगे और ऊपर पिस्ता लगा देंगे। ऐसे ही हम सारी अपनी नान खटाई तैयार कर लेंगे। बेकिंग ट्रे पे लगाते वक्त हमें थोड़ा थोड़ा इनमें गैप देना है ताकि ये बेक होते वक्त थोड़ी राइज होती है। ये आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा इनमें गैप जरूर देना है। ये हमने सारी नान खटाई ट्रे के ऊपर लगा ली है, अब हम इसको बेक करेंगे। हमने ऑलरेडी ओवन को प्री हीट कर दिया 180 डिग्री पे और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी नान खटाई तैयार हो चुकी है बेक होके। अभी ये बहुत ही गर्म है, इसको कम से कम एक घंटा लगेगा ठंडा होने के लिए। फिर जैसे ही ये ठंडी होती है तो इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं और फिर आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी। ये बहुत टेस्टी बनी है, इसको आप ज़रूर बनाइए और खाइए और अपने फीडबैक हमें ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.